अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है, आपका नाम? मोहम्मद। जी सर, मैंने आपकी एक ट्यूमर का मुआयना करना है। उम्मीद है आप दाखिल करेंगे, दौरान में आपको कोई तकलीफ होती है आपने बताया, मैंने मुआयना वहाँ पे बात की दोस्त को कह रहे हैं मुड़ जाए ठीक है। ट्यूमर सर पहले हाथ अपने ना यूँ रखिए, यूँ कर लें ठीक है। दौरान में अपने हाथ यूँ ही रखिए ठीक है। अच्छा बेसिकली एक्सपोजर पूरा होने चाहिए ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं वही सारी बातें कि वही विजिबल वेंस ठीक है, पल्सेशंस, पिगमेंटेशन, स्कार मार्क्स वो देख लिए, क्या कहते हैं कोई स्पाइन डिफॉर्मिटी तो नहीं है, काइफोसिस स्कोलियोसिस या काइफोस्कोलियोसिस लॉर्डोसिस वगैरह तो नहीं है ठीक है। कोई क्या कहते हैं कोई पैच वगैरह तो नहीं लगा हुआ ठीक है। कोई वो लंबर पंक्चर की जो साइट होती है उसको एक दफ़ा देख लेना है ठीक है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं थोड़ा सा एक्सरे वगैरह को भी होके देख लेना है, कुछ इशू तो नहीं है ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास वेलबेशन ठीक है। वेलबेशन से पहले क्वेश्चन है, समझ आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ठीक है। स्पाइन टेंडरनेस चेक करनी है, स्पाइन टेंडरनेस या तो यूं चेक कर लेनी है ठीक है, या तो क्या कहते हैं यूं रखे चाहिए गलती हुई है इसे पेशेंट की तरह देखना ठीक है, यूं ठीक है। अच्छा स्पाइन टेंडरनेस चेक हो गई, उसके बाद इसकी वेलबेशन में जो है ना क्या कहते हैं एपेक्स फीट और ट्रिकिया तो है नहीं ठीक है, उससे आगे सारी चीजें ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है वही वोकल रेमिडिस ठीक है। अच्छा वोकल रेमिडिस में वही है, अब मैं जो हूं ना ठीक है इसमें खड़ा हो गया ठीक है, और अब मैंने इसी डायरेक्शन में क्या कहते हैं एक ही डायरेक्शन में करी जाना ठीक है। सुनो तीन 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 बोले तीन 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 ठीक है। इसी तरह क्या कहते हैं मैं नीचे जाई जाऊंगा ठीक है, और इसी तरह फिर एक्सिला में भी ठीक है, तीन पॉइंट से और तीन पॉइंट से। मेरा थ्रू आउट जो है ना ठीक है वो इंटरकोस्टल स्पेस में आता ठीक है। अच्छा उसके बाद अब इसमें आती है चेस्ट एक्सपेंशन ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन वही इंचेस टेप लेनी है ठीक है, और जैसे यहाँ से इस लेवल पे ठीक है देख लेनी है चेस्ट एक्सपेंशन, वही टू सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, टू सेंटीमीटर से कम होगी तो रिड्यूस नहीं, टू है नॉर्मल फाइव ज्यादा है ना, मतलब टू से कम है तो नॉर्मल हो गया। अच्छा उसके बाद आती है चेस्ट एक्सपेंशन सॉरी मूवमेंट्स ठीक है। अच्छा अब चेस्ट मूवमेंट्स का क्या सीन है ठीक है कि तीन जगह से पीछे से ठीक है और आगे से क्या कहते हैं आपने नक्कल सेकने अपने जब आपने जो एपेक्स ऑफ लंग्स सेकने ठीक है। वैसे है कि पहले जैसे गहरे सांस लें ठीक है, अब मेरे इसमें थंब्स जो है ठीक है वो देखूंगा ठीक है। इसी तरह ये सेकेंड थर्ड ठीक है, और उसके बाद मैं अपने हाथ यहाँ पे रख लूंगा और कहूँगा गहरे सांस लें। इसमें मैं अपनी जो है ना वो नक्कल्स देख रहा हूँ ठीक है, अपने मैं थंब्स नहीं देख रहा इसमें ठीक है, मैं नक्कल्स देख रहा हूँ कि कैसे मूव कर रहे हैं विद रेस्पिरेशन ठीक है। अच्छा ये हो गई आपकी वेलबेशन ठीक है। फिर आ जाती है प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन में क्या है ठीक है कि आपने क्या कहते हैं जो है ना क्या कहते हैं एपिक्स ठीक है तीन जगह पे प्रोग्रेस करनी है ठीक है। उसके बाद आपने डाउन द लाइन मूव करना है इंटरकोर्स स्पेसिस में, और फिर एक्सिलर प्रोग्रेशन करनी है ठीक है, और कंपेयर करते जाना है ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना कि अब एपिक्स है ना ठीक है, ठीक है तीन यहां पे साथ ही ठीक है इधर हो गया। उसके बाद फिर इंटरकोर्स स्पेसिस में ठीक है कंपेयर करते हुए जा रहा हूँ ठीक है। साथ एक्सिला में भी कर लेनी है तीन जगह पे ठीक है, तीन या दो जितने भी आपको ठीक है। एक्सिला भी होगी और क्वेश्चन भी होगी। अब आ जाती है ऑस्किलेशन ठीक है। ऑस्किलेशन में क्या है कि अच्छा ऑस्किलेशन में वही है कि जिन जिन जगह पे प्रोग्रेस की है उन्हीं उन्हीं जगह पे ऑस्किलेट कर लेना ठीक है। वही तीन एरिया जो है यहाँ पे ठीक है, उसके बाद वही कंपेयर करते चलना है आपने ठीक है, यूं करके ठीक है कंपेयर करते जाना है। एक्सिला में वही तीन एरिया सुन लेने, उसके बाद इन्हीं एरियाज पे वोकल रेजोनेंस तीन 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 ठीक है। उसके बाद थैंक यू वही नीचे किया थैंक यू।